हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू पूनम स्मार्ट किचन। तो आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ एकदम आसान और मजेदार काजू मसाला नमकीन। यह खाने में इतना चटपटा और टेस्टी होता है कि आप बस खाते ही रह जाएंगे। और खास तौर पे यह गर्मा गर्म चाय के साथ या फिर इवनिंग स्नैक्स के तौर पर तो यह एकदम परफेक्ट है। और इस रेसिपी की सबसे अच्छी बात यह है कि आप इसे एक बार बनाकर इसे लंबे समय तक स्टोर करके भी रख सकते हैं। साथ ही इसे बनाना भी इतना आसान है कि इसे तो कोई भी बना सकता है। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। काजू मसाला नमकीन बनाने के लिए मैंने लिया है 2 कप मैदा। इसमें डालेंगे 1 छोटा चम्मच नमक, 1/2 छोटा चम्मच क्रश किया हुआ अजवाइन। अब हम इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लेते हैं। अब इसमें डालेंगे रिफाइंड तेल 4 चम्मच। अब हम इसे अच्छी तरह से मसल कर मिक्स करते हुए इसे मिलाएंगे। आप देख सकते हैं अब यह अच्छी तरह से मिक्स होकर बाइंड होने लगा है। अब हम इसमें थोड़ा थोड़ा पानी डालते हुए इसका एक मीडियम टाइट डो तैयार करेंगे। अब हमारा डो तैयार हो चुका है। आप इसका सॉफ्टनेस देख सकते हैं। अब हम इसे ढककर लगभग 30 मिनट के लिए रेस्ट करने छोड़ देंगे। तब तक हम इस काजू नमकीन में डालने के लिए स्पेशल मसाला तैयार कर लेते हैं। इसके लिए मैंने लिया है लाल मिर्च पाउडर 1/2 छोटा चम्मच, आमचूर पाउडर 1/2 छोटा चम्मच, जीरा पाउडर 1/2 छोटा चम्मच, कुटी हुई काली मिर्च 1/4 छोटा चम्मच और काला नमक स्वाद अनुसार। अब हम इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। तो अब काजू नमकीन में डालने के लिए हमारा स्पेशल मसाला तैयार है। अब डो को भी रेस्ट करते हुए 30 मिनट हो चुके हैं। इसे हम लोग थोड़ा और गूंथ लेंगे ताकि यह मिक्स होकर और चिकना हो जाए। अब हम इस पूरे डो की एक बड़ी सी लोई बनाकर इसे इस तरह से फैला देंगे। अब हम इसे बेलते हुए इसकी एक बड़ी और थोड़ी मोटी चपाती तैयार कर लेंगे। आप इसका थिकनेस देख सकते हैं। यह ना तो ज्यादा मोटा होना चाहिए और ना ही ज्यादा पतला। अब हम इस तरह का कोई भी ढक्कन या कटर लेकर इसे इस तरह से काट लेंगे। आप देख सकते हैं हमें इसे इस तरह से काट कर काजू का शेप देना है। तो इसी तरह से हम लोग एक एक करके धीरे धीरे सारे काजू नमकीन को काट कर तैयार कर लेंगे। काजू नमकीन फ्राई करने के लिए तैयार है। मीडियम हीट पर तेल को अच्छी तरह से गर्म करेंगे और एक एक करके इसमें काजू नमकीन को फ्राई करने के लिए डाल देंगे। अब हम इसे लो टू मीडियम हीट पर अच्छी तरह से गोल्डन ब्राउन होने तक फ्राई करेंगे। बीच बीच में हम इसे पलटते रहेंगे ताकि यह हर तरफ से अच्छी तरह से पक जाए। अब यह फ्राई होकर गोल्डन ब्राउन हो चुका है।
अब हम इसे निकाल कर सीधे एक मिक्सर बॉल में डाल देंगे और एकदम गरम गरम में ही इसमें स्पेशल मसाला छिड़क देंगे जो हम लोगों ने अभी तैयार किया था और इसे अच्छी तरह से मिक्स कर देंगे। फ्राई करने के तुरंत बाद ही हमें इसमें मसाला मिक्स करना है, नहीं तो यह एक बार ठंडा हो गया तो मसाले मिक्स करने के बाद यह इसके ऊपर चिपकते नहीं है। आप चाहे तो इसकी जगह पर सिर्फ चाट मसाला भी डाल सकते हैं, पर जो मजेदार स्वाद आपको इस स्पेशल मसाला में आएगा वो बात आपको चाट मसाला में नहीं मिलेगा। अब हम बाकी के भी काजू नमकीन को फ्राई करके और इसके ऊपर मसाला डालकर तैयार कर लेंगे। अब इसे मिक्स कर लेते हैं। सचमुच में यह दिखने में तो बहुत ही मजेदार लग रहा है। तो लीजिए, मजेदार मसाला काजू नमकीन बनकर खाने के लिए तैयार है। इसे आप सर्व करें गर्मा गर्म चाय के साथ, चाय पीने का मजा आपका और भी बढ़ जाएगा। खाने में यह तो इतना टेस्टी होता है कि आप बस खाते ही रह जाएंगे। और इसकी सबसे अच्छी बात यह है कि आप इसे एक बार बनाने के बाद किसी एयरटाइट कंटेनर में भरकर लंबे समय तक स्टोर करके भी रख सकते हैं। तो आप भी एक बार जरूर इस काजू मसाला नमकीन को बनाकर देखिए और अपने एक्सपीरियंस मेरे साथ जरूर शेयर कीजिए। तो फ्रेंड्स, अगर आपको मेरी यह वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें और कमेंट जरूर करें, और अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नई रेसिपी के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।